अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको आज दिखाएंगे कहां बिल्ली को निगला अजगर, कहां बग्गी पर नाची दुल्हन और कहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिया राम का नाम। पहली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां एक हॉस्टल में 12 फीट लंबा अजगर घुस गया और वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते अजगर ने एक बिल्ली को निगल लिया। टॉयलेट में कुंडली मार कर बैठे अजगर ने सबको हैरान कर दिया। तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि पूरी तरीके से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। इलाके में खबर गई तो लोग सकते में आ गए। जो चीज अब तक सिर्फ सुनने को मिलती थी वो आज आंखों के सामने होती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में हॉस्टल के छात्रावास प्रबंधन ने सांप पकड़ने में माहिर अकील बाबा को बुलाया। अकील बाबा ने अपने बेटे के साथ मिलकर 20 मिनट के अंदर ही इस घातक अजगर को पकड़ लिया। पकड़े जाने के तुरंत बाद ही अजगर ने उस बिल्ली को उगल दिया। अजगर के पकड़े जाने के बाद हॉस्टल में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। अगली खबर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की एक शादी की। शादी में आमतौर पर दूल्हे की बारात निकलती है, लेकिन इस शादी में दूल्हे की जगह दुल्हन की बारात निकली। दुल्हन जब बग्गी में सवार होकर निकली तो लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने इस अनोखे नजारे को अपने फोन में कैद किया। दुल्हन बग्गी में सवार होकर बॉलीवुड सॉन्ग्स पर थिरकती नजर आई। दुल्हन काफी खुश थी और साथ ही लोगों ने भी इस शादी की जमकर तारीफ की। यकीनन आपने इस तरह किसी दुल्हन की बारात निकलते शायद ही देखी होगी। क्या बेबाकी है, क्या अंदाज है। अब दिखाते हैं आपको पटना की एक तस्वीर, जहां हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। दरअसल पटना में एक 75 साल के बुजुर्ग रामदेव शाह का निधन हो गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार रिजवान आलम ने किया, जो कि एक मुस्लिम है। जब रामदेव शाह की अंतिम यात्रा निकाली गई तो कुछ मुस्लिम उसमें शामिल हुए और उन्होंने राम नाम सत्य है का जाप करते हुए रामदेव शाह का अंतिम संस्कार किया। रामदेव शाह 25 सालों से रिजवान आलम की दुकान पर काम करते थे। बिहार का यह नजारा भारत की एकता का एक और नमूना पेश करता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।